सबको मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही देश में मुस्लिम आरक्षण पर बहस छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता अपनी रैलियों में कांग्रेस पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव मुसलमानों को आरक्षण देने की खुलकर वकालत कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी भी सामने आ गई है, जिससे पता चलता है कि भारत में 65 सालों में हिंदुओं की आबादी घटी है और मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 और 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 7.8% घटी है और मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। आज इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, साथ ही ये भी पता लगाएंगे कि मुसलमानों को कहां, कितना और कैसे आरक्षण मिलता है। लालू यादव ने हाल ही में कहा कि बीजेपी वाले लोगों को सिर्फ भड़का रहे हैं, वो संविधान खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू यादव का ये बयान चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी SC ST OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब मुस्लिम आरक्षण चुनावी मुद्दा बना हो। पिछले साल जब कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी ये मुद्दा बना था। तब एक रैली में अमित शाह ने कहा था कि मुस्लिमों का आरक्षण संविधान के खिलाफ है। ऐसे में कई सवाल जहन में आते हैं, जैसे मुस्लिम आरक्षण की संविधान में क्या व्यवस्था है, कौन कौन से राज्यों में मुस्लिमों को आरक्षण मिलता है, जो धर्म बदलकर मुस्लिम बने हैं क्या उन्हें भी कुछ आरक्षण मिलता है। आइए समझते हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर मुस्लिमों की कई जातियों को OBC आरक्षण दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी मुस्लिमों की 36 जातियों को केंद्रीय स्तर पर OBC आरक्षण दिया जाता है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4) में व्यवस्था की गई है। इसके मुताबिक अगर सरकार को लगता है कि नागरिकों का कोई वर्ग पिछड़ा है तो नौकरियों में उनके सही प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की OBC लिस्ट में कैटेगरी वेंट और 2A में मुसलमानों की 36 जातियों को शामिल किया गया है। हालांकि जिन परिवारों की सालाना कमाई 8 लाख रुपए से ज्यादा है उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है और उन्हें आरक्षण नहीं मिलता, भले ही फिर वो जाति पिछड़े वर्ग में ही क्यों ना आती हो। ऐसी कई सरकारी रिपोर्टें हैं जिनमें कहा गया है कि मुसलमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि मुसलमान समुदाय हिंदू OBC से पिछड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी ने कहा था कि हिंदू पिछड़ों और दलितों को तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है लेकिन मुस्लिमों को नहीं। जबकि इससे पहले मंडल आयोग ने भी 82 सामाजिक वर्गों की पहचान की थी जिसे उसने पिछड़ा मुसलमान माना था। साल 2009 में रिटायर्ड जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी ने भी मुस्लिम आरक्षण की वकालत की थी। कमेटी ने अल्पसंख्यकों को 15% आरक्षण देने का सुझाव दिया था। इनमें से मुसलमानों के लिए 10% और बाकी अल्पसंख्यकों के लिए 5% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां मुस्लिमों को OBC के तहत आरक्षण दिया जाता है। केरल में OBC को 30% आरक्षण दिया जाता है। इसके अंदर ही कुछ कोटा मुस्लिमों के लिए भी है।
यहाँ मुसलमानों को नौकरियों में 8% और हायर एजुकेशन में 10% कोटा मिलता है। तमिलनाडु में भी मुस्लिमों को आरक्षण मिलता है। यहाँ पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 3.5% आरक्षण दिया जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कोटे में मुसलमानों की 95% जातियाँ शामिल होती हैं। इसी तरह बिहार में मुसलमानों की कुछ जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों और उपजातियों को 18% आरक्षण दिया जाता है। पिछले साल हुए बिहार के जातिगत सर्वे में 73% मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग माना गया था। कर्नाटक में सभी मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलता है। यहां ओबीसी को 32% आरक्षण मिलता है। इसकी कैटेगरी 2A में मुस्लिमों की सभी जातियों को शामिल किया गया है। इससे इन्हें 4% आरक्षण मिल गया है। आंध्र प्रदेश में भी मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश की गई है, लेकिन अदालत ने इसे रोक दिया। सबसे पहली बार 2004 में ये कोशिश हुई थी। तब सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होने का हवाला देकर मुस्लिमों के लिए ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण की व्यवस्था की थी। हालांकि कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। इसके बाद राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी मुसलमानों को पिछड़ा माना था। इसके आधार पर सरकार ने 2005 में एक बार फिर सभी मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण तय किया, लेकिन कोर्ट ने इसे फिर रद्द कर दिया। 2010 में एक बार फिर मुसलमानों की कुछ जातियों को 4% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे ये कहते हुए रद्द कर दिया कि आरक्षण की ये व्यवस्था करने से पहले कोई सर्वे नहीं किया गया था। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस पर अभी फैसला होना बाकी है। हालांकि इस बीच आंध्र प्रदेश में एनडीए की सहयोगी टीडीपी ने मुस्लिम आरक्षण का वादा किया है। टीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का वादा किया है। भारतीय संविधान समानता की बात करता है। इसमें धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। संविधान कहता है कि अगर कोई वर्ग पिछड़ा है तो उसे मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। 1992 में इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अगर कोई सामाजिक समूह पिछड़ा है तो उसे पिछड़ा वर्ग माना जाएगा, फिर चाहे उसकी धार्मिक पहचान कुछ भी हो। अभी मुसलमानों को जो आरक्षण दिया जाता है वो कोटे के अंदर कोटा सिस्टम के जरिए मिलता है। मुसलमानों की जो जातियां एससी, एसटी या फिर ओबीसी में शामिल हैं, उन्हें इस कैटेगरी के अंदर ही आरक्षण मिलता है। मुस्लिमों की जातियों के लिए अलग से कोई कोटा नहीं है। मसलन केरल में मुस्लिमों को हायर एजुकेशन में 8% आरक्षण मिलता है, उन्हें ये ओबीसी के ही 30% कोटे से दिया जाता है। अगर कोई दलित व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम या ईसाई धर्म कबूल कर लेता है तो क्या उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा? ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर कई याचिकाएं दायर हैं। इसमें मांग की गई है कि धर्म बदलकर मुस्लिम या ईसाई बनने वाले दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए और आरक्षण समेत दूसरे लाभ दिए जाएं। इन याचिकाओं में संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 को भी चुनौती दी गई है। 1950 का ये आदेश कहता है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों के अलावा दूसरे धर्मों के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। पिछले साल अप्रैल में केंद्र सरकार ने धर्म बदलकर मुस्लिम या क्रिश्चियन बन चुके दलितों को एससी में शामिल करने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध किया था। अब समझते हैं कि मुस्लिम आरक्षण का विरोध किस आधार पर हुआ। केंद्र सरकार ने 1950 के आदेश को चुनौती दिए जाने का भी विरोध किया था। केंद्र ने कहा था कि ये आदेश असंवैधानिक नहीं है और इससे ईसाई और इस्लाम धर्म को इसलिए बाहर रखा गया था क्योंकि इन दोनों धर्मों में छुआछूत नहीं है। इसके अलावा 2007 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग ने दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को एससी का दर्जा देने की सिफारिश की थी। सरकार ने इन सिफारिशों को खामी भरा बताते हुए नामंजूर कर दिया था। पिछले साल अप्रैल में केंद्र सरकार ने दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को एससी का दर्जा देने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला लेने से पहले पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन की अगुवाई वाली कमेटी की रिपोर्ट आने तक का इंतजार करने का अनुरोध किया था। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करेगा कि धर्म बदलकर मुस्लिम या ईसाई बन चुके दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा या नहीं। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की जो मुस्लिम आरक्षण के विवाद के बीच ही सामने आई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद
EACPM की एक स्टडी से पता चला है कि भारत में 1950 और 2015 के बीच बहुसंख्यक धर्म वाले हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों समेत अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। हालांकि इस अवधि में जैन और पारसियों की संख्या में कमी आई है। इन 65 सालों के दरमियान भारत में मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है, ईसाइयों में 5.3%, सिखों में 6.5% और बौद्धों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। स्टडी के मुताबिक 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी। 2015 तक ये घटकर 78% हो गई है। इसी अवधि में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.8% से बढ़कर 14.09% हो गई है। म्यांमार के बाद भारत अपने पड़ोसी देशों में दूसरे नंबर पर है, जिसकी बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। म्यांमार में 10% और भारत में 7.8% बहुसंख्यक आबादी घटी है। भारत के अलावा नेपाल में बहुसंख्यक समुदाय यानी हिंदुओं की आबादी में 3.6% गिरावट देखी गई है। इस स्टडी में दुनिया भर के 167 देशों का अध्ययन किया गया है। स्टडी के लेखकों का कहना है, दुनिया के ट्रेंड को देखते हुए भारत में एक स्थिरता पाई गई है। डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि उनकी जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।